दिल्ली में अब तक की हुई सबसे बड़ी चोरी के तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके से पकड़ा है, तीन आरोपियों को, और उनके पास से पुलिस ने काफी बड़ी मात्रा में रिकवरी भी की है। इस वक्त हम लोग दुकान के अंदर मौजूद हैं, उसी शोरूम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर रविवार की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास बदमाश दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो सीसीटीवी को डिसफंक्शन किया ताकि फुटेज न रिकवर हो सके। ताला तोड़ के छत के रास्ते वो दाखिल हुए और फिर इन्हीं सीढ़ियों से वो नीचे पहुंचते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम मौजूद हैं, यहीं पर शोरूम है और यहीं पर ये स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम की दीवार को काफी स्ट्रांग बनाया गया था। आप देखिए कितने लोहे, यहाँ पर लोहे सरी और कंक्रीट की मजबूत दीवार थी, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ा। दरअसल बदमाशों के पास अच्छा खासा टाइम था। रविवार की रात वो आए, सोमवार को ये बाजार बंद होता है और मंगलवार को फिर खुलता है, तो यानी तकरीबन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बदमाशों के पास था और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। पूरे शोरूम को आप देखिए, जो जो भी कीमती ज्वेलरी थी सोने और हीरे के, उन पे ही हाथ साफ किया। 25 करोड़ की ज्वेलरी उन्होंने दुकान से गायब किए, चांदी के सामान वो यहीं छोड़ गए। लेकिन बदमाशों ने भले ही यहाँ के सीसीटीवी को डिसफंक्शन कर दिया और यहाँ इस रास्ते से घुसकर अंदर सारे ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन पुलिस को उनके सुराग मिल गए। दरअसल पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया कि जब बदमाश यहां से भागे तो किस रास्ते से गए होंगे। इसके लिए पुलिस ने तमाम रूट्स के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और इस तरीके से पुलिस को उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर एक ग्रुप पहुंचता है पुलिस का बंगाल, दूसरा पहुंचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाली पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस आगे की तरफ बढ़ती है। दुर्ग और भिलाई के पास जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो बदमाश उनके हत्थे लगते हैं और उसके बाद पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में हीरे और सोने के जवाहरात बरामद किए हैं। अभी कुछ और बदमाशों के शामिल होने की भी संभावना है और उनके पास से भी कुछ रिकवरी की संभावना है, तो पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।